नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार में जिस तरीके से दिनों दिन अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इससे बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष समेत आम जनता भी सरकार के इस रवैये पर, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और जिस तरीके से पुलिस अपराधियों को नियंत्रण करने में, उनको पकड़ने में, अपराध को रोकने में असफल हो रहे हैं, इसको लेकर के सवाल पूछ रही है सरकार से। अब भला उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में पुलिस अपने मुखिया की ही बात ना सुने, यानी कि पुलिस अपने डायरेक्टर जनरल की ही बात ना सुने, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगा ही। दरअसल पूरा मामला यह है कि बिहार पुलिस मुख्यालय से एक पत्र लीक हुआ है, या यूं कहें बाहर आया है। इस पत्र में बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के एस द्विवेदी ने अपने अफसरों को, अपने आला अधिकारियों को, जो उनसे जूनियर अधिकारी हैं, जिन पर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, उनको उन्होंने एक टास्क दिया है। टास्क में ये कहा गया है कि सभी अफसर मिलकर बिहार में कानून व्यवस्था बहाल करें। जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में लगातार हत्याओं का दौर शुरू हो गया, एक के बाद एक ताबड़तोड़ अपराधी जब जहां जी चाहे जिसकी भी हत्या, किसी की भी हत्या कर देते हैं। इसके बाद से विपक्ष समेत आम लोग भी बिहार की कानून व्यवस्था पर और मुख्यमंत्री के सुशासन पर सवाल उठा रहा है। डीजीपी ने पुलिस गश्ती सही ढंग से नहीं करने को लेकर के सभी एसपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में डीजीपी ने माना है कि सूबे में रात्रि गश्ती की बात तो दूर, दिन में भी नियमित गश्ती नहीं की जा रही। इससे पहले भी डीजीपी ने इसी साल 9 महीने पहले यानी मार्च महीने में अपराधियों, शराब, हथियार और प्रतिबंधित वस्तुओं की रोकथाम के लिए नाकाबंदी का सुझाव दिया था, लेकिन इस सुझाव का कहीं भी ढंग से पालन नहीं किया गया। नतीजन बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर डीजीपी ने सभी एसपी को तत्काल प्रभाव से जिलों में नाका स्थापित करने का आदेश दिया है। डीजीपी ने आदेश दिया है कि हर नाके में जिला पुलिस बल से 20 जवान तैनात किए जाएं। डीजीपी ने तमाम कार्यालयों और आवासीय कार्यालयों से इन जवानों को उपलब्ध कराने की भी नसीहत दी है। सभी एसपी को लिखे इस पत्र से न केवल पुलिस महकमे में खलबली मच गई है, बल्कि इससे पुलिस अफसरों की बड़ी लापरवाही का भी उजागर हुआ है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि अगर पुलिस अधिकारी अपने डीजीपी का आदेश नहीं सुन रहे हैं तो उन्हें नियंत्रित कौन कर रहा है। बिहार के डीजीपी ने इस पत्र में प्रदेश के सभी जिलाओं के एसपी से यह कहा है कि वो देश, पूरे प्रदेश में नाकाबंदी बनाए और जो आवासीय कार्यालय है और तमाम जो सरकारी कार्यालय है उसमें जो जवान तैनात हैं उनमें से 20-20 जवान को नाकेबंदी पर तैनात किया जाए। इससे पहले मार्च महीने में भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार ने ये पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि शराब कारोबारी को, शराब माफियाओं को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए हर प्रदेश भर में नाकाबंदी की जाए और नाकाबंदी बनाया जाए, चेक पोस्ट बनाया जाए। लेकिन उनके इस पत्र का भी असर लगता है कि बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर नहीं हो रहा है और बिहार पुलिस अब अपने ही आला अधिकारी के आदेश की अनदेखा कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिस अपने ही मुखिया की बात ना सुने, ना माने, तो उस बिहार पुलिस पर सवाल उठेगा ही, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ेगा ही। अब इस पत्र के बाद से लगातार बिहार पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं, बिहार पुलिस की लापरवाही सामने आई है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार पुलिस इस पत्र के लीक होने के बाद कुछ एक्शन मोड में आती है या फिर बिहार पुलिस का रवैया ऐसे ही लापरवाही भरा रहता है। आगे और इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।